सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। तो आज हम बनाएंगे इडली और दो तरह की चटनी। चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। पर मैंने इडली का बैटर पहले से तैयार कर दिया था, सिर्फ आपको दो तरह की चटनी कैसे बनाते हैं सिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। ये है मेरा इडली का बैटर, जिससे कि मैंने मतलब एक कप पाउडर डाल और दो कप इडली की सूजी ली है, और मैंने इसे कल रात को भिगोकर सुबह ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करके सूजी को मिलाकर मैं 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया है। अगर आप बड़े वाले मिक्सर ग्राइंडर में पीसते हैं तो आप 2 घंटे में कर सकते हैं, पर मिक्सर ग्राइंडर से करते हैं तो आपको इसे 7 से 8 घंटे या एक रात के लिए उस बैटर को मिक्स करके अच्छे से रखना पड़ेगा। और ये समर का डेज है, इसीलिए अगर आप नमक डाल के ज्यादा देर रख देंगे तो वो बैटर खट्टा हो जाएगा। तो मैंने इडली के लिए देखिए, मेरे पास मतलब जिनके पास इडली का स्टैंड नहीं होता, वो राउंड राउंड इडली बनाने वाला, मैं वो ऐसे कुछ राउंड खाली होती है ना, उससे ही आराम से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने एक देखिए स्टील का बेसन लिया है, उसमें पानी डाल के ऐसे एक स्टैंड रख दिया है। मैंने इसे ऑन रखा है। इसे हाई में बॉयल होने के बाद मैंने इस प्लेट पे मैंने ऑयल लगा के इडली का बैटर डाल दिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी इसमें और मैंने रख दिया है इसे। हाँ, मैं इसे हाई पे ही बनाऊंगी और कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसे उतार लूंगी। और अब मैं चटनी की तैयारियां कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। 10 से 10 मिनट बाद मैंने इसे निकाल लिया। इडली देखिए कितनी अच्छी तरह से बना है। आप जब ये कढ़ाई पे उस बेसन में होता है ना, आप थोड़ा सा हाथ को गीला करके लगा के देखिएगा, अगर हाथ में ये नहीं चिपकता इसे निकाल लेंगे। अभी गर्म है, थोड़ी देर ठंडी होने के बाद हम इसे मन चाहे शेप में काट सकते हैं। मैं कभी इसे ट्रायंगल शेप में काटती हूँ, कभी स्क्वायर शेप में काटती हूँ। मैं इडली के साथ दो तरह की चटनी बनाऊंगी, एक है अदरक की चटनी और दूसरा होगा कोकोनट की चटनी। तो अदरक की चटनी के लिए मैंने अदरक को ग्रेट करके रख दिया है, ग्रीन चिल्लीज को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये है करी लीव्स, और ये रहा बेसन। बेसन में मैं थोड़ा पानी डाल के उसका घोल बना लूंगी और उसके बाद उसे बनाएंगे। कोकोनट को मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है। एक कोकोनट के लिए मैंने 5 से 7 ग्रीन चिलीज लिए, करी लीव्स, और ये रहा एक इतना सा छोटा पीस अदरक और दही, और दोनों में स्वाद अनुसार नमक पड़ेगा। तो मैं ये सब को ग्राइंड कर दूंगी, बस ग्राइंड करके तड़का लगा देना है, करी लीव्स को छोड़ के और सब ग्राइंड करना है। इसमें नमक भी ऐड करूंगी मैं। चटनी मैंने प्रिपेयर की है, देखिए मैंने इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा पतला कर लिया है। आप इसे थोड़ा थिक भी रख सकते हैं, हमारे घर पे इसे ऐसा ही पसंद है, इसीलिए मैंने तड़के के लिए गैस लगाकर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। एक ओनली 1 स्पून ऑयल डाला है। तड़के के लिए मैंने लिया है उड़द दाल, सरसों, जीरा, हिंग और रेड चिली एक। हमारी चटनी पूरी तरह रेडी हो गई, कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं हम अदरक की चटनी। सेम वही प्रोसीजर है अदरक की चटनी के लिए। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें थोड़ा ज्यादा ऑयल डाला है, क्योंकि अदरक को थोड़ा फ्राई करना होगा। इसमें भी वही उड़द दाल, जीरा, हींग और सरसों। ये थोड़ा फूटने के सरसों थोड़ा फूटने के बाद अदरक और ग्रीन चिल्ली और करी लीव्स को फ्राई करूंगी और पानी ऐड करूंगी। उसके बाद बेसन का बैटर थोड़ा सा बना के रखा है, इसे ऐड करूंगी और हल्दी और नमक डालूंगी बस।
इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है जैसे कि इसमें लम्स ना हो। ये चटनी इसमें पूरी तरह, इसमें थोड़ा थिकनेस लाने के लिए हमें ये बेसन का बैटर घोल डालेंगे, तो इसमें अच्छी थिकनेस, थोड़ी सी थिकनेस आएगी और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बनेगी। जब वाटर बॉयल हो जाएगा तब ये मैं डालूंगी। उस बैटर को मिलाते हुए चलाते रहना है, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। और इसमें एक बहुत एक बस एक से दो मिनट तक इसे बॉयल होने देंगे, बस एक मिनट बॉयल होने देंगे तो तब हमारा अदरक की चटनी भी पूरी तरह तैयार हो गया। तो आप इसे घर पे बना के चखिएगा, जरूर बताइएगा कैसा टेस्ट लगता है आपको। इसके साथ आप कोकोनट चटनी, अदरक की चटनी और कोई कोई करी भी बना के खाते हैं। मेरे हस्बैंड को सिर्फ चटनी सी पसंद है, मेरे बेटे को करी पसंद है, पर आज मैंने करी नहीं बनाया, पता नहीं वो खाने में आज कितना मुझे तंग करेगा। ओके बाय।